हेलो दोस्तों, लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो और नए लैपटॉप के साथ। आज हम लेके आए हैं एचपी के न्यूली लॉन्च्ड एनवी सीरीज को। जी हाँ, आज वीडियो बनाते हुए मुझे बड़ा अंदर से बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबसे पहला तो एनवी मेरी फेवरेट सीरीज है। जो एचपी एनवी लॉन्च करता है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है, मतलब प्रीमियम क्वालिटी, सुपर प्रीमियम क्वालिटी होती है। उसमें एएमडी Ryzen 5 और AMD के Ryzen 7, वो भी 7000 सीरीज के अंदर टच स्क्रीन में। तो मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूं आज की वीडियोस को लेके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज हमारे पास कौन सा लैपटॉप है। तो दोस्तों, ये है हमारे लैपटॉप। अनबॉक्स एक ही करेंगे, लेकिन मैं आपको तीनों लैपटॉप दिखा रहा हूं। तीनों में डिफरेंस बता दूंगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि हम तीनों को अनबॉक्स करें और तीनों के अलग अलग वीडियो बनाएं, वो टोटली टाइम वेस्ट होगा। आप भी एक वीडियो देखेंगे और तीनों लैपटॉप के बारे में जान जाएंगे। जी हाँ, एचपी ने लॉन्च की है एनवी सीरीज 15 इंचेस के अंदर टच स्क्रीन में। जी हाँ, और एएमडी राइजन के साथ तीनों मॉडल है। मैं आपको पहले तीनों मॉडल की स्पेसिफिकेशन और उनका डिफरेंस बता देता हूं। दो मॉडल है FH0015AU और एक मॉडल है FH0016AU। ये दोनों मॉडल बिल्कुल सेम है। दोनों की स्पेसिफिकेशन राइजन 5 7000 सीरीज है, 16 GB की रैम है, 512 GB SSD है। सिर्फ डिफरेंस एक ही है दोनों की स्क्रीन में, एक है फुल HD स्क्रीन और एक है OLED स्क्रीन। एक की 250 निट्स है, वो जो FH0016 है उसकी है 400 निट्स 100% SRGB के साथ। तीसरा जो मॉडल है वो एग्जैक्टली FH0015AU का अपग्रेड मॉडल है उसमें, और FH0019AU में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर का डिफरेंस है। 15AU में Ryzen 5 7000 सीरीज है और Ryzen 7 सीरीज है FH0019AU में। इसके अलावा दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। स्क्रीन के मामले में सेम है, 16 GB रैम, 512 GB SSD, टच स्क्रीन, सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर का डिफरेंस है। तो हमारा मेन जो बेस है वो है FH0015AU। अगर हम 16 पे लेके जाएंगे तो उसके अंदर OLED स्क्रीन चेंज हो जाएगी, और अगर हम 19 पे लेके जाएंगे तो उसके अंदर प्रोसेसर चेंज हो जाएगा। तो हम इन तीनों में से एक लैपटॉप ओपन करेंगे, उसी का बैक पैनल ओपन करेंगे। तीनों का कलर भी बिल्कुल सेम है। हम नॉर्मली क्या होता है, जब तीन मॉडल्स होते हैं उसमें हम Ryzen 5 या i5 ले लेते हैं। आज हम इनमें जो सबसे ऊपर मॉडल है Ryzen 7, उसको ओपन करेंगे और उसका बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। हम आगे भी नए नए लैपटॉप्स की वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और करते हैं लैपटॉप को अनबॉक्स। तो चलिए दोस्तों, इसको अनबॉक्स करते हैं। प्रीमियम लुक है हमेशा, जो सुपर प्रीमियम्स होते हैं हमेशा पैकिंग भी आपको डिफरेंट मिलेगी। ये देखिए, लैपटॉप है, यूजर मैनुअल है, ये साथ में पेन है, इसकी टच स्क्रीन के टच 360 है, ये प्रीमियम पावर कोड और ये टाइप सी अडेप्टर। जी हाँ, टाइप सी अडेप्टर आपको एचपी ने इस पे दिया है। ये फास्ट चार्ज करता है पहले तो, और एक चीज बता दूं, ये इंटेलिजेंट अडेप्टर्स होते हैं। जैसे ही लैपटॉप की चार्जिंग फुल हो जाएगी, ये अपने आप उसको पावर सप्लाई देना बंद कर देंगे, जिससे लैपटॉप की बैटरी पे कम से कम इफेक्ट आता है। तो चलिए दोस्तों, लैपटॉप के बॉक्स को साथ में करते हैं। जैसे हमने देखा, प्रीमियम पावर कोड और टाइप सी चार्जर, यूजर मैनुअल, पेन भी हमारा यूएसबी से चार्ज हो जाता है, आप इसे ही चार्ज कर सकते हैं। और यह है हमारा लैपटॉप। देखिए, पैकिंग में बड़ी प्रीमियम होती है, मेरे को बड़ा मजा आता है एनवी को अनबॉक्स करने में। देखिए, बड़ा ही प्रीमियम लैपटॉप है, मैं बार बार प्रीमियम कहता हूं, अदरवाइज एनवी सुपर प्रीमियम है। अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो एनवी की जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो हमेशा सुपर्ब होती है। देखिए, बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त है इसकी। लुक की बात करूंगा, लुक और फिनिश मेटल बॉडी में आता है। इसकी फिनिश आप फिनिशिंग देखेंगे, कर्व देखेंगे, हर तरफ से आपको ये डिसेंट क्वालिटी मिलती है। आप बैक पैनल देखेंगे, इसकी रबर, यहाँ पे वेंटिलेशन और इसकी जो साथ में स्लीकनेस है, हमेशा ही इसकी अमेजिंग रही है। एचपी हमेशा सुपर एनवी के अंदर, सुपर प्रीमियम एनवी के अंदर कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता क्वालिटी के अंदर।
आगे देखेंगे इसके अंदर कुछ कर रखा है या नहीं कर रखा है, इसकी कंप्लीट डिटेल देखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और ओपन करते हैं। एक हाथ से ओपन नहीं होगा, ये लैपटॉप हमने ओपन किया है। आप देखेंगे अगर मैं इसकी वॉबलिंग की बात करूं, वैसे ये 360 डिग्री है, आप इसको पूरा मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर हमें वॉबलिंग ज्यादा जरूरी होता है देखने का, क्योंकि पूरा पीछे तक जाता है लैपटॉप, कहां तक रुकता है या नहीं रुकता। अगर हम स्क्रीन की बात करेंगे तो आप जहां छोड़ रहे हो ऑलमोस्ट ये वहीं पे रुक जाता है, वॉबलिंग की इसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही। तो आगे बढ़ते हैं, लैपटॉप के पहले पोर्ट्स देखेंगे, फिर लैपटॉप को बूटअप करेंगे और कहीं मैं चलेगा इसका बैक पैनल भी हम ओपन करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप के पोर्ट्स। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो जो सबसे पहला पोर्ट दिखाई देता है वो है यूएसबी का विद एचपी स्लीप एंड चार्ज के साथ। दूसरा हमें पोर्ट दिखाई दे रहा है एचडीएमआई 2.1 जिससे आप प्रोजेक्टर और एलईडी भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में आपको दिखाई देंगे दो यूएसबी टाइप सी 10 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ जिससे आप लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हैं। लैपटॉप के राइट साइड में देखते हैं तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है यूएसबी टाइप ए 10 Gbps सिग्नलिंग रेट के साथ। दूसरा पोर्ट हमें दिखाई देता है हेडफोन और माइक्रोफोन का, तो 3.5 mm जैक हम जिसे कहते हैं जिससे आप एक्सटर्नल स्पीकर और हेडफोन माइक कनेक्ट कर सकते हैं। और एक हमें दिखाई देता है मल्टी फॉर्मेट एसडी मीडिया कार्ड रीडर। चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर इसमें है राइजन 7 7730U विद रेडियन ग्राफिक्स के साथ, 7000 सीरीज का प्रोसेसर है। बेस स्पीड की बात करेंगे तो 2 GHz है और टर्बो बूस्ट बात करेंगे तो 4.5 GHz तक इसकी मैक्सिमम बूटअप स्पीड है। अगर मैं इसकी बात करूं टीडीपी की तो 15 W टीडीपी है इसका और 7 nm का प्रोसेसर है। वैसे AMD ने 7000 सीरीज के अंदर काफी प्रोसेसर जो निकाले थे वो 6 nm के थे, लेकिन इसके अंदर जो 7730U प्रोसेसर है वो 7 nm का है। कोर की बात करेंगे तो 8-core प्रोसेसर है इसमें और 8 के 8 परफॉर्मेंस कोर है। इसमें कोई भी एफिशिएंट कोर नहीं होता जैसा हम इंटेल के प्रोसेसर में देखते हैं। इंटेल जो 13 जनरेशन आ रहे हैं जिसमें 12 कोर भी है उसमें 6 कोर ही परफॉर्मेंस कोर होते हैं, बाकी सब एफिशिएंट कोर होते हैं। अगर लॉजिकल प्रोसेसर की बात करूंगा तो 16 इसमें लॉजिकल प्रोसेसर है और L3 कैशे है 16 MB की। अब हम बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी इसमें है 16 GB की, स्पीड जिसकी 4266 MHz है, यानी इसमें LPDDR4 रैम लगी हुई है। स्लॉट यूज है दो के दो यूज्ड हैं। देखिए मैं अगर पर्सनली कहूं तो मुझे चाहिए था का इसमें LPDDR5 रैम होती या एटलीस्ट DDR5 रैम होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें HP का कोई भी कसूर नहीं है। मैं यहां पे HP को दोष नहीं देना चाहूंगा। जब मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन देखी थी तो मैंने यही कहा था इसमें DDR5 होनी चाहिए थी, लेकिन जब मेरा प्रोसेसर पे ध्यान गया तो मैं आपको बता दूं इसका प्रोसेसर है जो AMD का 7730 वो सपोर्ट ही मैक्सिमम यही करता है LPDDR4। DDR5 को ये सपोर्ट ही नहीं करता, इसीलिए HP को DDR4 इस पे लगानी पड़ी होगी। इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 4266 MHz है। DDR4 अगर लगाते तो फिर उसकी 32 MHz की हो जाती और जो इतने प्रीमियम लैपटॉप्स के साथ जस्टिफिकेशन नहीं होता। अगर बात करेंगे SSD की तो 512 GB की SSD है इंटेल की, जिसकी कैपेसिटी मिलती है आपको 477 GB। वाईफाई की बात करेंगे, वाईफाई 6E और ब्लूटूथ 5.3 आपको इसमें मिलता है। वाईफाई आजकल सब में 6E आ रहा है जिसमें स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ग्राफिक्स की बात करेंगे, AMD Radeon ग्राफिक्स है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स आपको इसमें मिलता है 512 MB का और शेयर मिलता है 7.7 GB, टोटल आपको होता है 8.2 GB। मैं आपको बता दूं डेडिकेटेड ग्राफिक्स है, अलग से कोई चिप नहीं है, जो AMD का प्रोसेसर होता है उसी के अंदर ग्राफिक्स होता है डेडिकेटेड, जो इंटेल के प्रोसेसर में नहीं आता। तो आप यहां मत कंफ्यूजन होइएगा कि आपका डेडिकेटेड है तो एक अलग से चिप लगी हुई होगी। इसकी अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 2 GB की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ग्राफिक्स की। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन जो आपने सुनी, कॉन्फ़िगरेशन आप सुन रहे थे राइजन 7 वगैरह, तो वो कॉन्फ़िगरेशन हमने इसी लैपटॉप के माइक से रिकॉर्ड करी है। रिकॉर्ड करने का हमारा मकसद यही था कि आपको इसके माइक की क्लैरिटी और क्वालिटी के बारे में पता चले। बात करते हैं इसकी स्क्रीन की, तो देखिए 3 लैपटॉप हैं, 3 लैपटॉप में से 2 लैपटॉप की स्क्रीन सेम है, FH00015AU
और FS0019AU। इन दोनों लैपटॉप की अगर हम स्क्रीन की बात करेंगे तो 15.6 इंच की फुल एचडी स्क्रीन इसमें आपको मिलती है 1920x1080 रेजोल्यूशन के साथ। मल्टी टच अनेबल्ड है, आईपीएस डिस्प्ले है और एच टू एच ग्लास है, माइक्रो एच 250 निट्स के साथ और 45% एनटीएससी आपको इसमें मिलता है। और हम बात करते हैं FS0016AU लैपटॉप की स्क्रीन की, तो वो 15.6 इंचेस फुल एचडी स्क्रीन, रेजोल्यूशन 1920x1080, ओएलईडी स्क्रीन आपको मिलेगी, मल्टी टच एनेबल्ड, UWVA, एच टू एच ग्लास, माइक्रो एच, लो ब्लू लाइट और 400 निट्स HDR 500 nits और 100% sRGB के साथ आपको स्क्रीन मिलती है। HP इसमें वाइड विजन 5 मेगापिक्सल IR कैमरा देता है विद टेंपरल नॉइस रिडक्शन के साथ और इसमें आपको मिलते हैं इंटीग्रेटेड डुअल एरे डिजिटल माइक्रोफोन्स और इसमें आपको मिलता है प्राइवेसी शटर जो मैनुअल है, बटन्स के साथ नहीं ऑपरेट होता है, इसे आप बंद कर सकते हैं, इसे ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों समय आ गया लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करने का। 19,000 का लैपटॉप है, हम सिर्फ आप लोगों के लिए ओपन करते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, कई व्यूअर्स के क्वेश्चंस होते हैं कि आप जब लैपटॉप ओपन कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, उस बाद लैपटॉप का क्या करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमें लैपटॉप मिलता है कंपनीज की तरफ से उसको अनबॉक्स और रिव्यू करने के लिए। तो ये लैपटॉप जब हम अनबॉक्स और रिव्यू कर लेते हैं तो ये लैपटॉप हमारे पास से वापस कंपनी के पास चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप को ओपन करते हैं। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो गया है, तो ये देखते हैं लैपटॉप के पार्ट्स कहां कहां पे हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे हमारा प्रोसेसर लगा हुआ है जो हीट सिंक के थ्रू कनेक्टेड है फैन के साथ, दो फैन दे रखे हैं। वैसे तो यू प्रोसेसर है लेकिन 7000 प्रोसेसर है, काफी हैवी प्रोसेसर होता है, इसीलिए इसकी कूलिंग के लिए दो फैन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां बात करेंगे, ये रैम की रैम है, इसमें दो चिप लगी हुई है, ऑनबोर्ड रैम है जिसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते, 16 GB की रैम है, आप अपग्रेड बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, 8-8 GB की दो इसमें लगी हुई है। यहाँ आपकी SSD लगी हुई है, आप SSD को अपग्रेड कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन SSD को आपको रिमूव करके ही अपग्रेड करना पड़ेगा। यहाँ आपका Wi-Fi 6 ब्लूटूथ इसी में होता है। ये आपका बैटरी है जो दिखाई दे रही है, आप देखेंगे 4 सेल की बैटरी है और 55 वर्क आवर्स के साथ, अगर बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 आवर्स का आपको इसमें बैटरी बैकअप मिल जाएगा। यहाँ आपको B&O के स्पीकर्स लगे हुए हैं, सुपर प्रीमियम है NV सीरीज। तो दोस्तों आज हमने अनबॉक्स किया HP NV FS0019AU। तो चलिए बात करते हैं इनके यूसेज की। देखिए वैसे तो मेरे को ऐसा पहले लगता था कि 15.6 इंचेस के अंदर टच स्क्रीन और 360 डिग्री जो लैपटॉप होंगे वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होंगे, बड़ा हैवी हो जाता है। देखिए अभी तक जो 14 इंची या 13 इंची के अंदर हम टच स्क्रीन यूज करते आ रहे हैं वो 1.3 kg, 1.4 kg के साथ है, ये लैपटॉप 1.84 kg का है। हम इसको ओपन करके टर्न करते हैं 360 डिग्री तो यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत हैवी फील होता है, पर हमें ऐसा भी लगता था पहले कि इसके हिंजेस में, लेकिन बहुत डिसेंट लैपटॉप HP ने लॉन्च किया 15 इंच के अंदर, मतलब इसके हिंजेस जबरदस्त हिंजेस है। अगर वॉबलिंग की बात करूं, वॉबलिंग है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है, आप ये सोचो यार जबरदस्त वॉबलिंग है, वॉबलिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसकी क्वालिटी इतनी जबरदस्त है, मैं इसकी स्पीड में इसे यूज कर रहा था तो Ryzen 7000 सीरीज लैपटॉप पता चल रहा था कि स्पीड परफेक्ट है। अगर आपने कोडिंग करनी है, आपने फोटोशॉप पेज में कभी भी काम करना है तो आप इस पे कर सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा FS0016AU क्योंकि उसकी स्क्रीन 100% sRGB के साथ है और 400 निट्स के साथ है। देखिए स्पीड FS0019AU की ज्यादा है, लेकिन अगर हम उसकी बात करेंगे फोटोशॉप और कॉर्डर यूज करते हुए हमें कलर क्लैरिटी चाहिए होती है और 100% sRGB जो है वो कलर क्लैरिटी मांगती है, तो इसीलिए मैं आपको ये कहूंगा जब फोटोशॉप पेज में का चाहिए तो आप FS0016AU ही लीजिएगा। अदरवाइज आपको कोई और भी वर्किंग यानी कोडिंग करनी है, कुछ भी करना है, आप FS0019AU या FS0015AU आराम से ले सकते हैं। हम प्रोडक्ट की बात करें तो मुझे इस प्रोडक्ट के अंदर एक कमी जरूर दिखाई दी जो HP को करनी चाहिए थी। देखिए 512 GB SSD हम i3 से लेके अभी तक यूज कर रहे हैं, i3, i5, Ryzen 3, Ryzen 5, ये सुपर प्रीमियम लैपटॉप है और 90,000 रेंज का लैपटॉप है, एटलीस्ट
मैं भी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप दो या तीन मॉडल सेम निकालते हैं उनमें डिफरेंस जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर हम FH0015AU की बात करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली 80,000 के प्राइसेस में एचपी ने लॉन्च किया है, और जो हमारा लैपटॉप है राइजन 7 जो आज हमने अनबॉक्स किया है उसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली 90,000 रखी है, और दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर का डिफरेंस है। मैं एचपी से यही कहूंगा चाहे 2,000 रुपए आप और प्राइसेस बढ़ा देते लेकिन SSD 1TB कर देनी चाहिए, मेरे को इस लैपटॉप के अंदर इसके अलावा और कोई कमी नहीं दिखाई दी है। और अगर मैं FH0016AU की प्राइसिंग की बात करूंगा तो वो अप्रोक्सीमेटली 88,000 के आसपास एचपी ने रखी है, तो राइजन 5 और राइजन 7 में प्राइसेस में डिफरेंस नहीं है जिसमें स्क्रीन आपकी ओलेड आती है। आपको इसमें टच यूज करना है, पेन इसके साथ आपको मिलता है, रिचार्जेबल पेन है, टाइप सी से आपका चार्ज हो जाता है। देखिए आपने फोल्ड करके कुछ भी उस पर ड्रॉइंग्स करनी है या आपको कुछ भी नोट बनाने हैं राइट करके आप इसमें इजीली बना सकते हैं। 15.6 इंच की बड़ी लार्ज स्क्रीन है। देखिए जिनको भी 15.6 इंच में टच स्क्रीन चाहिए उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है एचपी, इसके साथ 1 ईयर की वारंटी दे रहा है, आप एक्सटेंड करा सकते हैं। और मैं एक चीज और कहूंगा, जब भी आप एचपी वर्ल्ड पे लैपटॉप लेने जाएंगे तो उनसे इस लैपटॉप की डैमेज वारंटी जरूर पूछ लीजिएगा। अगर मैं कहूंगा आपका बजट होगा तो एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन जरूर ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं करती है, मेरे ख्याल से 6-7 हजार रुपए में मिल जाती है। आप जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ऑफर्स आती रहती है। 3 साल की एचपी इसमें एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन देता है। देखिए जो स्क्रीन है अराउंड 20-25,000 के आसपास आपको इसकी स्क्रीन मिलती है, अगर आप 3 साल में एक बार भी बाई चांस डैमेज हो गई तो आपकी वैल्यू वहीं पे आ जाती है अगर आप एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन ले लेते हैं तो। और हाँ ये जरूर कहूंगा जब भी ले एक्सटेंडेड वारंटी वो सिर्फ और सिर्फ एचपी वर्ल्ड से ही लीजिएगा, एचपी की ही एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन लीजिएगा, कभी भी थर्ड पार्टी मत लीजिएगा, आपको एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस भी जो मोस्टली कई मैंने देखे हैं स्टोर जो मल्टी ब्रांड्स होते हैं वो इंश्योरेंस देते हैं, इंश्योरेंस में आपको नहीं मिल पाता, उसमें 100% नहीं मिलता, उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। आज आपका लैपटॉप सपोज करो ब्रेक हो गया, आपको पैसा 1-1.5 महीना लग गया, उसमें 50% पे आपको करना पड़ गया, तो वो सब यूजलेस होता है। जब भी एक्सीडेंट डैमेज प्रोटेक्शन लें आप हमेशा एचपी वर्ल्ड से ही लीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये लगता है कि हमें तीनों लैपटॉप की अलग अलग वीडियो बनानी चाहिए आप हमें ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। हम अलग अलग इसलिए नहीं बताते कि आप कंफ्यूज हो जाओगे मैं कौन सा देखूं, आपका टाइम लगेगा, इसलिए हम हमेशा यही कोशिश करते हैं जो सेम कॉन्फ़िगरेशन है जो सब कुछ सेम है हम उनकी वीडियो को कंबाइन करके बता दें बना दें। अगर उसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम कहां कहां पे क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं आप हमें जरूर बताइएगा कि कहां पे हमारी कमी रह गई है, हम कौन सा पार्ट को कवर करना भूल गए हैं आप हमें जरूर बताइएगा, आप ही के कमेंट से हम इम्प्रूव करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम नई नई वीडियोस ऐसे अपलोड करते रहेंगे और कोशिश करते हैं हम सबके बैक पैनल भी ओपन करके आपको दिखाते हैं जिससे आपको ये पता चल जाए हम आप लैपटॉप में क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं क्या अपग्रेड नहीं कर सकते। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में नए लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।